करनाल के जाट भवन में किसान मजदूर व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान कहा कि सरकार ने हरियाणा विधानसभा में भले ही विश्वास मत जीत लिया हो, लेकिन जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। उन्होंने भरी सभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 2 साल पहले जिस पार्टी को प्रदेश में 10 में से 10 लोकसभा सीटें मिली थी, उस पार्टी के नेता आत्मविश्लेषण करें कि 2 साल में ही ऐसे हालात कैसे बन गए कि अब उनके नेता मंत्री गांव में नहीं घुस पा रहे। उन्होंने जनता से सवाल किया कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो लोग जनता के बीच जाते हुए डरते हों, क्या उनको एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार के 10 साल के शासनकाल में हर वर्ग खुशहाल और खुश था, आज हर वर्ग परेशान और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उस समय फसलों के अच्छे रेट मिलने के कारण किसान कर्ज मुक्त हो गया था, मजदूर को अच्छी और आसानी से मजदूरी मिल जाती थी, छोटे व्यापारी का जो गल्ला नोटों से भरा रहता था, आज उसमें सिक्के भी नहीं है। हमारी सरकार के समय किसान अपनी फसल बेचकर नोटों से जेब भरकर घर जाता था, आज वही किसान मंडियों से खाली जेब वापस आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 4 महीने से किसान और मजदूर शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर बैठे हैं, खुद तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होने दे रहे। सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद हुए 2 महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन सरकार अपना अहंकारी रवैया छोड़ने तक को तैयार नहीं है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह स्थिति की गंभीरता को समझे और किसानों से तुरंत बात कर उनकी मांगों को माने, गतिरोध समाप्त कराए। इस समस्या का समाधान लाठीचार्ज नहीं है, किसानों से बातचीत से ही निकलेगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश की आजादी के बाद इतना बड़ा शांतिपूर्ण और अनुशासित आंदोलन किसी ने नहीं देखा है। 4 महीनों में 300 से ज्यादा शव अपने अपने गांव में लौट चुके हैं, मगर फिर भी किसानों ने अपना संयम नहीं खोया, अपना अनुशासन नहीं तोड़ा। सरकार में बैठे नेता मंत्री लगातार इन्हें अपशब्द कह रहे हैं, इनके संघर्ष और कुर्बानी का अपमान कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, विधायक बलबीर वाल्मीकि, पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता, पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान सहित बड़ी संख्या में किसान, खेतिहर, मजदूर और व्यापारी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि आज करनाल में कर्मचारी व्यापारी किसान एवं संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में जनसमूह करनाल के जाट भवन में मौजूद है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। हम आपको बता दें कि करनाल में किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी व संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांसद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जाट भवन से। नौजवान साथियों से अनुरोध है, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जनता के जाने के लिए भी काफी ज्यादा वहां पर इंतजाम के। जेजेपी पार्टी ने, ये जेजेपी पार्टी नहीं, एक विश्वासघाती पार्टी है। पहले अपने वोटर का विश्वास से विश्वासघात करते बीजेपी से गठबंधन किया, फिर हरियाणा की जनता से विश्वासघात करते हुए बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया, शराब घोटाले से रजिस्ट्री घोटाले तक। अब किसान के साथ विश्वासघात करके इस पार्टी ने सत्ता के लालच में इतना बड़ा विश्वासघात किया कि आने वाले समय ऐसे विश्वासघाती लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। चुनाव आयोग मखौल बना है पश्चिम बंगाल में और केरल में कई जगह पे। ये आखिरी प्रश्न का आज ही उत्तर देते हैं आपका। सारे जो संवैधानिक और जो लोकतांत्रिक संगठन है, उन संगठनों में भाजपा, उन संगठनों को में सत्ता का दुरुपयोग करने का काम बीजेपी कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया का में सत्ता का दुरुपयोग मैंने स्वयं अपने लोकसभा चुनाव में रोहतक में देखा था, किस तरह से लोग करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। तो आप देख रहे थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज यहाँ पहुँचे हैं, अभी पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सम्मेलन को संबोधित किया है। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर रखे गए समारोह में शिरकत करने के लिए आज पहुँचे थे।
किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी संविधान बचाओ सम्मेलन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी मीडिया से रूबरू हुए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। भाई देखिए, जो आखिर में जो एक बात की कि हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और तुरंत सरकार बातचीत का रास्ता खोले, वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधियों को बुलाए और मांगे स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। इस समस्या का समाधान लाठी चलाना नहीं है, इस समस्या का समाधान किसान के हक में कलम चलाना है। और जब तक सरकार बातचीत, लाठी नहीं बातचीत, लाठी नहीं वार्ता, ये बात नहीं समझेगी और सोचेगी कि लाठी के और बल प्रयोग के माध्यम से किसान की आवाज़ को कुचला जा सकता है, इस सोच के साथ सरकार चलेगी तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं। दीपेंद्र जी, सरकार सोनाली फोगाट ने किसानों का मजाक उड़ाया है हिसार में, जो कार्यक्रम सोनाला का था। अच्छा, दो एक बार जो है देखिए, ये इसके लिए पहले वो करके फिर मैं आपका कह देता हूँ। देखिए, जो आप कह रहे हैं तो ये सरकार ये सोचने का विषय है। सरकार इस पर आत्ममंथन करे कि बिना प्रोटेक्शन के उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके जो है अपना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राजनीतिक जो है कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। इतना रोष लोगों में क्यों है? आज हरियाणा इतना त्रस्त क्यों है? हर वर्ग, हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से पूर्णतः त्रस्त हो चुका है। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जैसे कि आज यहाँ पे हमने अविश्वास प्रस्ताव लोगों के सामने पेश किया, समक्ष पेश किया करनाल में, और आपने देखा एक स्वर से लोगों ने उसको पारित किया। मतलब इसका संदर्भ एक ही है, सरकार चंडीगढ़ में तो विश्वास मत सरकार ने हासिल भले कर लिया हो, जनता में विश्वास खो चुकी है। इस पे आत्ममंथन करे सरकार। सर, एक तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, दूसरी तरफ किसान नेताओं पर ही हमले हो रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये, जो 3 दिन पहले या 3 दिन पहले जो राकेश टिकैत जी पे जो एक हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। हिंसा को स्थान नहीं है लोकतंत्र में। उसकी पूरी राजस्थान सरकार, मुझे विश्वास है, उसकी पूरी जांच करेगी। और आज रिपोर्ट आई है कि शायद 14 लोग उस साजिश में शामिल पाए गए हैं, एक राजनीतिक दल का भी नाम उसमें आ रहा है। मगर पूरी तरीके से जाँच हो और जो भी कोई दोषी हो किसी इस प्रकार के हिंसा की कार्रवाई को अंजाम देने पे, उसके पीछे क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था, ये जनता के सामने आना चाहिए और दोषियों पे कानूनन अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। हुड्डा साहब, सोनाली फोगाट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र है और यहाँ आज पूरे दिन उनका अपना कार्यक्रम था, पूरी किलेबंदी की गई, जबकि उनका हेलीकॉप्टर भी पिंजरे के अंदर उतरे है बाहर। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज जब देखा जो ये सुमिता सिंह जी ने जो एक बात की कि जब हमारी सरकार थी, जब यहाँ कार्यक्रम होते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के या किसी और किसी जो है सरकार से जुड़े हुए किसी मंत्री के, तो लोग हर करनाल में गली गली कोने कोने पे स्वागत के लिए खड़े होते थे, ऐसा भी समय था। अभी परिस्थिति ऐसी आ गई, सरकार इस पर खुद सोचे, आत्ममंथन करे कि आज छावनी में तब्दील दिखाई दिया करनाल, यहाँ तक कि बहुत सी जो हमारा कार्यक्रम था उसकी भी बहुत लोगों को आज आने में तक आने पहुँच ही नहीं पाए। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, गीता बुक्कल जी हमारी विधायक आ रही थी, वो रास्ते में क्योंकि बैरिकेडिंग इतनी लगा दी गई थी वो नहीं आ पाई। तो ये आज क्या परिस्थिति है, सरकार को जो है अपनी जनता से खुद ही बचना पड़ रहा है। तो ये जो परिस्थिति है इसके लिए सरकार ही सरकार जिम्मेदार है, सरकार का रवैया जिम्मेदार है। सोनाली फोगाट को लेकर क्या कहना चाहिए किसानों? सोनाली फोगाट ने किसानों का मजाक उड़ाया है कि क्या उखाड़ दिया? कोई सीरियस नहीं है वो, कोई देखो पहली बात तो जिनका नाम लिया उन्होंने क्या बोला है कोई उसका अर्थ नहीं, क्योंकि वो कोई सीरियस मैं उनको नहीं मानता। मगर भाजपा हर रोज कोई ना कोई भाजपा का सीनियर लीडर, जिसमें हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी बहुत मजाक उड़ाया एक तरीके से, उन्होंने जो किस जिन किसान परिवारों ने में जान की क्षति हुई, जिनने कुर्बानियां दी उनका मजाक उड़ाया, जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जी उन्होंने मजाक उड़ाया, उनके जो साक्षी महाराज लोकसभा के सांसद हैं उनने मजाक उड़ाया। तो हर रोज़ ये बदल बदल के बीजेपी के चेहरे बदलते हैं, मगर भाजपा की तरफ से जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जो किसान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये खिल्ली बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी।
किसान की खिल्ली उड़ाना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर रोहतक के अंदर एक किसान पर सर देखिए आज प्रजातंत्र तार तार किया जा रहा है। जो रोहतक में भी 80 साल के जो अभी दोनों का सवाल एक ही रहता हूँ, जो रोहतक में 80 साल के बुजुर्ग राज सिंह उन पे जिस तरीके से जो है बल का प्रयोग किया गया 80 साल की उम्र में, तो ये कहीं ना कहीं वो उन पे हमला नहीं था, वो बुजुर्ग राज सिंह जी पे हमला नहीं था, वो लोकतंत्र पे हमला था। मगर ये सरकार क्या समझे, इस सरकार की शुरू से जो नीति रही है, नीति रीति रही है, उसमें इस सरकार ने बल प्रयोग कर हरियाणा सरकार देश में सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार हरियाणा सरकार ने साबित कर दिया। आपने देखा होगा जब पंजाब से किसान चला था तो दिल्ली शांतिप्रिय उसके लिए धरने के लिए चला था, मगर बीच में गड्ढे खोद दिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी बरसाने का काम किया गया, बैरिकेडिंग की गई, तो हरियाणा सरकार द्वारा की गई, ना पंजाब सरकार द्वारा ना दिल्ली सरकार द्वारा। तो ये जो खट्टर सरकार है ये और जजपा सरकार ये पूर्णतः किसान विरोधी सरकार है, शुरू से लेकर आज तक इनका किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।